प्रयागराज थाना घूरपुर अंतर्गत हथिगंज सुंदरपुर गांव में चोरी से अवैध खनन चल रहा है, जहां एसडीएम लेखपाल और कानूनगो सहित पूरी टीम पहुंची थी और कार्रवाई चल रही है। क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि खनन माफिया के साथ एक होमगार्ड वर्दी पहनकर बालू खनन को अंजाम दे रहा है। मनीष मिश्रा, आशीष मिश्रा, पुत्र रामदीन मिश्रा जो होमगार्ड है, अपनी वर्दी का फायदा उठा रहा है। खनन कर बालू की निकासी का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा था और आपको बता दें, बिना रवन्ना के बालू से लदी ट्रैक्टर को निकाला जा रहा है। सर बताइए, जो चोरी से बालू खनन हो रहा है, इसका फिर रवन्ना नहीं, इसके बारे में आपके क्या कहना है? अरे सर, हमारे हथियार सुंदरपुर में मनीष मिश्र, आशीष मिश्र, पुत्र रामदीन मिश्र काफ़ी दिनों से अवैध रूप से बालू डंप करके चोरी चुपके उसको खूब बेचा करते थे, सप्लाई करते थे, डंप किए हुए थे। इसका संज्ञान करछना एसडीएम साहब लेते हुए कल दिनांक 26/6/2023 को आरआई साहब शिव नरेश मिश्र जी, क्षेत्रीय लेखपाल शेखर सिंह जी और टीम पूरी गठित करके आई। कई लोग थे जिन्होंने मौके पर जा कर के देखा, वहाँ काफ़ी बालू डंप थी और इन लोगों को भी बुलाया, इनसे कागज़ भी मांगा गया, इनके पास कोई कागज़ नहीं था जी जी, और बालू वहाँ काफ़ी मात्रा में डंप थी जी, जिसकी कार्रवाई आरआई साहब किए और थाना घूरपुर यशो साहब को भी इस विषय में बताए जी। हम चाहते हैं ये लोग बाहरी लोग, बदमाश टाइप के भी लोग यहाँ आते हैं जो यहाँ अपना अड्डा बनाए हुए हैं, काफ़ी मात्रा में बालू गिरा रहे थे, बालू के सहारे तमाम तरह की चोरी चमारी भी करते हैं, शराब की बोतल फेंकना, तमाम तरीके का गंदा संदा काम करना।